साथियों नमस्कार। शाला दर्पण पोर्टल पर एक न्यू टैब प्रारंभ की गई है, पर खेलकूद प्रतियोगिता हेतु स्पोर्ट्स टूर्नामेंट मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है। अब आगामी जो तृतीय और चौथे चरण की जो प्रतियोगिता आयोजित होगी, जो कि स्पोर्ट्स टूर्नामेंट मॉड्यूल के माध्यम से पहले आवेदन करना होगा, इसके पश्चात ही विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। इसके संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा आदेश जारी कर दिया है। क्या है पूरी खबर? इस पत्र के अंतर्गत कहा गया है कि शाला दर्पण पोर्टल पर खेलकूद प्रतियोगिता हेतु निर्मित स्पोर्ट्स टूर्नामेंट मॉड्यूल में फीडिंग हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षा विभागीय विद्यालय प्रारंभिक और माध्यमिक खेलकूद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के पंजीकरण, परिणाम, ड्रॉज एवं प्रशस्ति प्रमाण पत्रों आदि संबंधित समस्त कार्रवाई ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत संस्था प्रधान शाला स्तर पर विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित करवाएंगे। उसके पश्चात जिला स्तर प्रतियोगिता के लिए चयनित विद्यार्थियों के खेलकूद प्रतियोगिता आवेदन फॉर्म शाला दर्पण पोर्टल पर स्पोर्ट टूर्नामेंट मॉड्यूल के माध्यम से भरे जाएंगे। तो शाला दर्पण के स्पोर्ट मॉड्यूल के अंतर्गत एंट्री करने हेतु सबसे पहले आपको गूगल पे शाला दर्पण टाइप करना है। शाला दर्पण पर क्लिक करने के पश्चात आपको इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देगा, जो कि राजकीय और निजी विद्यालय समस्त विद्यालयों हेतु आवेदन पत्र स्पोर्ट्स मॉड्यूल के माध्यम से ही भरे जाएंगे। इसके लिए आपको जो नीचे टैब दिखाई दे रही है, इन टैब के अंतर्गत आपको दिखाई देगी टैब खेलकूद प्रतियोगिता टैब दिखाई देगी। खेलकूद प्रतियोगिता टैब पे क्लिक करना है। इसके पश्चात आपका विद्यालय राजकीय विद्यालय है या निजी विद्यालय है। यदि राजकीय विद्यालय है तो आपको यहाँ पे यूजर नेम में आपके शाला दर्पण आईडी दर्ज करनी है, शाला दर्पण के पासवर्ड दर्ज करने हैं, कैप्चा फिल कर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। यदि आपका विद्यालय निजी विद्यालय है तो पीएसपी कोड यहाँ पे जो यूजर नेम के अंतर्गत दर्ज करें, पासवर्ड दर्ज करें, कैप्चा फिल कर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दें। लॉगिन करने के पश्चात थ्री लाइन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के पश्चात आपको ऊपर दिखाई दे रहा है होम और स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के ऊपर क्लिक करें। फिल एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे करना है। आपने जो आवेदन फॉर्म भरे हैं वो फिल एप्लीकेशन फॉर्म्स के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के लिए फिल एप्लीकेशन फॉर्म जो टैब दिखाई दे रही है यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपको खेलकूद प्रतियोगिता हेतु हस्तारयुक्त आवेदन की एक प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जानी है। यहाँ पे एज ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे। जो इस एज ग्रुप के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, 11 वर्ष के लिए, 14 वर्ष के लिए, 17 वर्ष के लिए या 19 वर्षीय प्रतियोगिता के लिए, उस एज ग्रुप का चुनाव करें और गो के ऊपर क्लिक कर दें। इसके पश्चात आपके विद्यालय के अंतर्गत जो कि जिस आयु वर्ग के अंतर्गत विद्यार्थी आ रहा है, शाला दर्पण रिकॉर्ड्स के अनुसार वह विद्यार्थी आपके सामने शो हो जाएंगे। जिस विद्यार्थी का आप आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं उस खेल हेतु फिल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर दें। आवेदन फॉर्म फिल के ऊपर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पे खेलकूद प्रतियोगिता आवेदन पत्र जिला और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु आपको दिखाई देगा। सबसे ऊपर आपको जिले का नाम दिखाई देगा, ब्लॉक का नाम दिखाई देगा, विद्यालय का नाम दिखाई देगा, प्रतियोगिता आवेदक का नाम दिखाई देगा जो आवेदन कर रहा है, पिता का नाम दिखाई देगा, जन्मदिनांक दिखाई देगी, माता का नाम दिखाई देगा, विद्यालय में प्रवेश लेने की तिथि दर्ज की हुई है तो वह दिखाई देगी, एसआर नंबर दिखाई देंगी, कक्षा दिखाई देंगे, मोबाइल नंबर दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त स्थायी पता, आधार कार्ड नंबर, जनाधार, कैटेगरी दिखाई देगी। उपस्थिति प्रतिशत आपको यहां पे दर्ज करना है कि विद्यार्थी की कितनी प्रतिशत उपस्थिति रही है। नेक्स्ट कॉलम में हमें दो शारीरिक निशानियाँ यहाँ पे फिल करनी है। जो पहले नंबर के कॉलम में फर्स्ट शारीरिक निशानी जो भी है, सेकेंड शारीरिक निशानी। इसके पश्चात सेलेक्ट मेजर गेम, जो गेम विद्यार्थी भाग लेना चाहता है जिस गेम के अंतर्गत, उस खेल का चुनाव करें। इसके पश्चात यहाँ पे आपको नीचे दिखाई देगा इवेंट एवं मापदंड, 51 की ग्राह है अधिकतम है विद्यार्थी का बार। यदि खेल कबड्डी चुना गया है तो यदि और किसी इवेंट का चुनाव करते हैं तो यहाँ पे बाहर आपको विद्यार्थी का दिखाई नहीं देगा। जिस तरीके से यहाँ पे वॉलीबॉल खेल का चुनाव करते हैं तो यहाँ पे विद्यार्थी का बाहर आपको सेलेक्ट नहीं करना है। क्या प्रतियोगिता आवेदन एथलेटिक इवेंट्स में भाग लेना चाहता है? यदि विद्यार्थी एक मेजर गेम इसके अतिरिक्त एक एथलेटिक्स गेम में भी भाग ले सकता है और भाग लेना चाहता है तो हाँ के ऊपर क्लिक करें। पिछले दो सत्रों में किसी एक कक्षा में किसी प्रकार का ठहराव की स्थिति, जो चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात संस्था प्रधान प्रमाणित प्रति अपने पास सुरक्षित रख ले, इसके लिए हाँ और नहीं के ऊपर ही क्लिक करना होगा।
विद्यार्थी फोटो के अंतर्गत चूज फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे। फोटोग्राफ 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, जो कि फोटोग्राफ की साइज 10 KB से 20 KB के बीच होनी चाहिए। जो भी विद्यार्थी की फोटोग्राफ चुनी जा रही है, अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। जहाँ पे आपको इमेज का बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे विद्यार्थी की इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। इसके पश्चात सेव के ऊपर क्लिक कर दे। तो इस तरीके से हम विद्यार्थी का आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।